السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد برادران إسلام تهارت كي كچھ غلطیاں हम आपके सामने हैं जो गलतियां मुसलमानों से तहारत के बाब में वाक़ होती हैं उनमें से एक ग़लती ये भी है कि बहुत सारे मुसलमान जुमा के दिन ख़ुतबा सुन रहे होते हैं और सुनते सुनते सो जाते हैं नींद गहरी हो जाती है और जब ख़ुतबा ख़त्म होने के बाद इमाम नमाज के लिए खड़े होता है तो वो भी बग़ैर उदू किए हुए इमाम के साथ नमाज़ अदा करने के लिए खड़े हो जाते और इसी तरीक़े से आपने देखा होगा कि लैल जब तवील हो जाता है तरावी लंबी हो जाती है तो मस्जिद के पिछले हिस्से में बहुत सारे मुसलमान सो जाते हैं और बसा अवकात नींद गहरी हो जाती है बेदार होते हैं और फ़ौर इमाम के साथ बग़ैर वू के वो शामिल हो जाते हैं जबकि गहरी नींद सो जाना हदस का वरिया है इसीलिए आदमी को जब गहरी नींद सो जाता है चाहे जुमा के खुतबा सुनते हुए हो या याम तरावी अदा करते हुए या किसी और मुनासिबत से अगर ऐसी नींद सो जाता है जिसमें उसका एहसास ख़त्म हो जाए और शोर बाकी ना रहे तो ऐसी नींद सोने के बाद जब वो बेदार होता है तो दोबारा नमाज में शामिल होने से पहले उसको चाहिए कि वो वज़ू कर ले वज़ू का एहतमाम करे उसको पता नहीं कि आया नींद की हालत में उसका वज़ू बाकी रहा या उसका वज़ू टूट गया तो फितने से बचने के लिए या अपनी नमाज को बातिल करने से बचने के लिए मुसलमान को चाहिए कि अगर वो गहरी नींद सोया हुआ था दोबारा इमाम के साथ वो नमाज़ अदा करने के लिए खड़े होता है तो वज़ू का अदा कर ले दोबारा वज़ू कर ले उसके बाद जो है नमाज में शामिल हो जाए तहारत के बाद में जो गलतियाँ मुसलमानों से वाक़ होती हैं उनमें से गलती ये भी है कि बहुत सारे मुसलमान ये समझते हैं कि वज़ू उसी वक्त मुकम्मल होगा जब हर ू को तीन तीन मरतबा धोया जाए अगर तीन से कम मरतबा वो धोता है तो इसी सूरत में उसका वजू मुकम्मल नहीं होगा मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों इमाम बुखारी रहीम ने के जो अबाब बयान किए उन अबवाब में से एक बाप ये भी है बाबुल थलाथ, थलाथ, कि उदू तीन तीन मरतबा करना यानी आजाए को तीन तीन मरतबा धोना इसी तरीके से बबुल उर्दू मर्रत मर्रत हर उदू को दो दो मरतबा धोना मर्रतन मर्रतन हर उदू को एक एक मरतबा उदू में धोना तो गोया नबी करीम सल्लल्लाहु सल्ला से सारी चीजें साबित है तीन तीन मरतबा भी साबित है, दो दो मरतबा का भी साबित है और एक एक मरतबा आधा भी धोना साबित है और इसी तरीके से अगर कोई तीन तीन मरतबा धोता है और दीगर आदा को दो दो मरतबा धोता है तो उसका वजू भी सही हो जाएगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम से ये कैफियत भी साबित है तो ये गुमान करना ये तसुर करना कि तीन तीन मर्तबा अगर कोई आदमी कोई मुसलमान आज़ाई उदू को धोता है तो उसी वक्त उसका वजू मुकम्मल होगा ये बातिल गुमान है ये गुमान सही नहीं है चाहे तीन मरतबा धोया जाए दो मरतबा धोया जाए एक मरतबा धोया जाए या किसी और को तीन मरतबा और दीगर आगा को एक एक या दो दो मरतबा धोया जाता है तब भी उसका वज़ू मुकम्मल हो जाता है हमें सुन्नत को जानने और उस पर अमल करने की अल्लाह ताली तौफ़दा फरमाए आमीन व आखिर रबीन असलमकुम व्ल वक्